हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग वेबसाइट के लिए किस तरह से लोगो बनाएंगे, वो भी ऑनलाइन, वो भी फ्री में, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन फ्री में अपने ब्लॉग वेबसाइट यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि लोगो कैसे बनाया जाता है, वो भी प्रोफेशनल, वो भी फ्री में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए या वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन दिया हुआ है वो सब सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, उसे दबा के आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटे का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये एक प्रोफेशनल लोगो है, इसे आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं बिना कोई वाटरमार्क के। आप लोग कैसे बनाएंगे वो भी 5 मिनट में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम है logomaker.thehot.com, ठीक है। तो सिंपली आपको इसे विजिट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ पे यस के ऊपर कर देना है क्लिक। तो आपके सामने इस तरह का बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जिस टाइप का भी लोगो बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ऐड सिंबल के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो ये लोडिंग होगा। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, लगभग आपको 10-15 सेकंड या 20 सेकंड यहाँ पे लग जाता है कम्प्लीटली लोड होने में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत तरह का लोगो देखने को मिलेगा, आप कोई भी लोगो को यहाँ पे सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लोगो यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का कैटेगरी भी मिलेगा। आप अपने साइड और यूट्यूब चैनल के हिसाब से अपना यहाँ पे आप लोगो बना लें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक लोगो अभी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम शॉपिंग के ऊपर चलते हैं और यहाँ से एक लोगो को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये लोगो है, अभी सिंपली हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये लोगो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इसे आपको एडिट करना होगा, वो भी ऑनलाइन, वो भी यहीं पे। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो देख रहे हैं ये आपका सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको कलर चूज कर लेना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों अगर आप लोग इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे वाइट है तो वाइट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लें जो भी कलर आप चाहते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, जो भी चाहते हैं आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे वाइट ही रखूँगा, ठीक है। वाइट यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो सिंपली हम अभी यहाँ पे वाइट करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं तो इस लोगो को आप यहाँ से घसका ले, इधर कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना है, अपने साइट का नाम, अपने साइट का टाइटल, अपने यूट्यूब चैनल का टाइटल वगैरह, या टेक्स्ट वगैरह कुछ भी डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको टेक्स्ट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम या अपने वेबसाइट का नाम कुछ भी दे दें। तो चलिए यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये एडिट हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे, हमारा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं तो उसका लोगो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया आईए टेक्निकल हिंदी। अब इसका दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी अगर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये साइड है तो ये साइड का कैसे काम होता है, क्या है, नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल में वहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन इंटरनेट की जानकारी हिंदी में, तो इस तरह से भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कम्प्लीटली सेलेक्ट करके अपने हिसाब से लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो आपको इसे रिसाइज करना है। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं बस वैसे वैसे आपको करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं
हम यहाँ पे इसे रिसाइज कर रहे हैं, आप यहाँ से देख लें, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे रिसाइज कर लिया है। रिसाइज करने के बाद अब मैं आपको कुछ और भी बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग इसे प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, तो फिर से इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसे यहाँ से कम्प्लीटली हटा दें, ठीक है। हटाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ये जो हिंदी देख रहे हैं, इसे सिंपली आपको यहाँ से हटा देना है। हमने यहाँ से हटा दिया, अब हम इसे यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और इसका फॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर देना है। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का फॉन्ट मिल जाएगा, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आप फॉन्ट रख लें, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग ये वाला फाउंड रखने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये फाउंड आ चुका है, बस इसको यहाँ से घींच करके इसे रिसाइज कर लें ताकि इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये लगभग आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग चाहोगे कलर वगैरह चेंज करना, तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेट कर लेना है। इसे रेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, कहने का मतलब है कि लोगो लगभग यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लोगो लगभग यहाँ पे तैयार हो गया है। अब तैयार हो जाने के बाद दोस्तों इसे आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा बात यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एंड डाउनलोड, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पेस्ट करना है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपके सामने कुछ अलग सा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको ईमेल के माध्यम से ये लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, और वो भी आपके ईमेल आईडी के ऊपर। तो चलिए हम फटाफट अपना ईमेल चेक करते हैं कि भाई मुझे अपना लोगो यहाँ पे भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। तो सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लोगो मेकर की तरफ से एक ईमेल प्राप्त हुआ है मुझे। मैं सिंपली यहाँ से अभी क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। तो सिंपली अभी हम मैं इसे यहाँ पे व्यू करूँगा, ठीक है। व्यू करने के बाद इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक फोल्डर है, एक फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये जिप फाइल में है, इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका लोगो आपके पास आ चुका है। यहाँ पे आपको दो तीन फॉर्मेट में लोगो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका लोगो इस तरह का होगा। अगर दोस्तों आप लोग टाइम देंगे तो काफ़ी अच्छा लोगो बना पाएंगे। ये तो दोस्तों हो गया आपका बैकग्राउंड के साथ, अगर आप PNG लोगो चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लोगो है ये PNG लोगो है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे अपना खुद का लोगो बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो ये लोगो बनाया है काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे लोगो बना पाएंगे, और लोगो इसी तरह से यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग अपना खुद का लोगो वो भी ऑनलाइन फ्री में कैसे बनाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।